हाय मैं हीना पांचाल एंड यू आर मी ऑन योरुड थैंक यू वायरल बॉलीवुड हॉट एंड सेक्सी मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था मुंबई के लैंग्वेज में बोला जाएगा तो रैपचिक एक्सपीरियंस था सारे कलर्स मेरे हीना के आ गए थे अंदर से बाहर और झगड़ा कर लिया प्यार कर लिया नफरत कर लिया एंड सिखाया भी लोगों को और सो सो आई थिंक सारे कलर्स मेरे बाहर निकल चुके थे शो के स्टार्स अपने अपने जॉनर में थे आ, बट वो घर के अंदर कोई भी स्टार नहीं होता है वो सारे घर के सदस्य होते हैं वो तो फिर आ, बट एक था कि दो एक किंग और क्वीन था और उनके दिल को जीतना था एंड उनके लिए उनको जीतने के लिए तुम वह गेम्स करके एफर्ट्स करके वो चीज़ को हासिल करना था उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए सो so, इनिशियली स्टेज पे वो सब चीज़ें अच्छी लग रही थी बट धीरे धीरे बिग बॉस वाला गेम आ रहा था सो तो वो थोड़ा सा हेवाई जा रहा था ऑफ द कॉन्टेक्ट्स जा रहा था सो तो जैसे मैं बोलूं कि अगर शो बंद भी हुआ है और जो बंद भी होने वाला था ट्वेंटी सेवन्थ को दो हफ्ते के लिए एक्स्ट्रा और चलने वाला था सो तो कहीं ना कहीं बाहर को बाहर भी लोग पकी रहे थे बोरिंग लग रहा था क्योंकि लव कनेक्शन और दिल की बातें कोई नहीं कर रहा था सिर्फ अबे तू कौन है तू कैसी है तूने क्या किया फला ना क्या ना ढिमका किया ना जो भी किया अरे चलो वही कॉन्वर्जेशन चल रहा था सो आई थिंक इट आल्सो बोरिंग नहीं स्ट्रैटेजी मेरे लाइफ में मैंने नहीं की क्योंकि मैं अपनी लाइफ में स्ट्रैटेजी अगर करती तो मैं इधर पहुंच ही नहीं पाती मैं बिग बॉस में सोच कर गई थी ऐसे लाइफ में बट जहाँ वहाँ जाके देखा तो मेरे पे ही उल्टा गिर गया सब कुछ तो मैंने ये टाइम पे कोई स्ट्रैटेजी नहीं आई वॉन्टेड टू बी माई सेल्फ इवन जो मेरे से पंगा लेगा मैं उसकी बैंड बजाऊंगी जो मेरे साथ अच्छा रहेगा मैं उसके साथ अच्छी रहूँगी जो मुझे अपना समझेगा मैं उसे अपना बनाऊंगी सो आई वॉज जस्ट गोइंग विद द फ्लो मेरे लाइफ की जर्नी yeah. की बात करोगे तो फिर छोटे में तो यही बोलूँगी बहुत अप्स एंड डाउंस आए पारस ने भी मेरी आंखों में बोल दिया ही ना तूने बहुत एक्सपीरियंस किया लाइफ में सो बट अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मेरे साथ होते गए मैंने कभी बिग बॉस नहीं सोचा था वो हुआ मुझे लगा भी नहीं था कि मैं दो महीने के ऊपर टिकूँगी मुझे लगा एक हफ्ते में फेंक देंगे मुझे घर से बाहर क्योंकि आ, मैं मराठी लड़की नहीं हूँ बट मैं मुंबई में हूँ बट उन्होंने ऑडियंस और मेरे फैंस ने मुझे जो प्यार दिया ना आई थिंक मैं आज जो भी हूँ मैं उनके वजह से हूँ हाँ और ये बोलूँगी कि जो मैं डांसर थी और मैंने डांसिंग में 365 डेज अपने आप का जो मेहनत दिखाया है वो मेहनत ने कहीं ना कहीं रंग लाया है सो so, एक मेहनत मेरी और दूसरा ऑडियंस उनके वजह से आज मैं जहाँ पे भी हूँ एंड आई थिंक मुझे पूरी दुनिया दिख चुकी है लाइफ में अब तो मुझे ये नहीं पता कि वो जोड़ी है अगर जोड़ी होती तो पारस वो साइन ही नहीं करता क्योंकि वो लोग दोस्त थे इसीलिए उसने साइन किया अभी मुझे ये क्वेश्चन पारस से पूछना पड़ेगा कि पारस तेरे दिमाग में था क्या साइन करने से पहले तेरे को शादी करनी थी या फिर तेरे को बिग बॉस खेलने जाना था या फिर तुझे लिटरली दूसरा पारस दिखाना था जो दिल से काम करने वाला सो देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन इन माई हेड एज वेल टू पारस क्योंकि uh, बिग बॉस करने के बाद इमीजिएटली कोई शो पकड़ता है तो वो सोच समझ के ही पकड़ता है बिकॉज आप ऑलरेडी पाँच महीने दिख चुके हो और तीन महीने दिखने के लिए वो एक अलग होता है कि वो इमेज क्या आई है और अभी यहाँ पे इमेज क्या बनाना है अगर वो इंसान की इमेज वैसे गई है कि वो रद्द करता है वो गेम को इंटरेस्टिंग करता है तो वो उसके अंदर है जॉनर बट वो दिल से कैसे रहता है वो उसका जॉनर था जो उसको दिखाना चाहिए था जो कि उसने नहीं किया और वापस वो बिग बॉस के गेम्स लेकर आ गया और लड़की लड़कियों में कलेश गिराने लग गया और लड़कियों के बीच में बोला जो कि आई विल नेवर एक्सपेक्ट दो औरतों के बीच में कोई आदमी बोले आ, सो उसके बारे में इतना ही बोल सकती हूँ मैं आप कोई क्वालिटीज देखे आपने मुझे अगर शादी के लिए मुझे किसी की क्वालिटीज़ पसंद नहीं है टू बी वेरी फ्रैंक उस घर के अंदर बट अगर मुझे किसी के साथ आगे तक एक दोस्ती वाला रिलेशन या फिर अगर उस इंसान में थोड़े चेंजेस आ सकते थे या फिर उसको उस इंसान को उसकी लड़की उसको कैसी लड़की चाहिए वो पॉइंट ऑफ व्यू उसका चेंज होता तो शायद से वो लड़का मयूर होता मेरे लिए okay. so, मैंने एक दोस्ती के नोट पर मैंने को जब पूछा गया था जब हम लोग को लिफाफे में लिखना था मैंने नाम उसी का लिखा था भले okay, okay. वो कितनी भी मस्ती करे जो भी बैठ तेरेज वन इनोसेंट पर्सन एंड परम ऑल्सो हार्ट ऑल्सो हम लोग बहुत दोस्ती वाले रिलेशन में थे अगर मैं उसको कुछ अच्छे के लिए कुछ सिखा रही थी तो वो सुनता था मेरी बात और वो डरता भी है मुझसे कभी ना कभी मतलब उसको पता है कि हिना का ये लुक बहुत भारी पड़ने वाला है चुप बैठ जाओ मैंने उन लोग के लिए हम लोग ने मैंने चाय बनाई जब उन लोग को चाहिए था वो लोग वो लोग मुझे ऑर्डर भी करते थे एक हक होता ना इंसान का वैसे बलराज हो अंकिता हो या शहबाज हो सब लोग हक से बात कर रहे थे और मेरा भी वो लोग सुनते थे सो आई थिंक इट वॉज अ वाइस वर्सा रिलेशन फ्रॉम बोथ द एंड किसी को किसी पर फोर्स नहीं किया गया था कि तुमको रिलेशन रखना है ये घर के अंदर की बात है yes, yes. तो के तो मतलब आपकी तो कुछ थी आप भी रहे थे बात ऐसे कर चलते थे तो आपसे मतलब इसको कुछ प्रॉब्लम आई आपको बोले कुछ प्रॉब्लम एक को ही आई ना वो संजना को जिसको मेरे Now, what's उसने what's मेरे उसने लैंग्वेज लैंग्वेज को लेकर बोला मैं मुंबई की लड़की हूँ yes. मुंबई में ऐसे हिच बोला जाता है कुछ भी हो जा बेटा तू आएगा तू जाएगा लेकिन अगर मुंबई में टिक गया ना तो तू बाप बनेगा मुंबई का ये अपने मुंबई का स्लैंग लैंग्वेज है एंड इसको अच्छे से मतलब वो बोलते ना मुंबई का ये दिखता है कि मुंबई का लैंग्वेज है और वो एक गंदा लैंग्वेज नहीं है डूड तुम आ, ये बोल रहे हो कि उसने मुझे दो तीन आर्टिस्टों के नाम लेकर उसने मुझे ये किया वो हर एक के लैंग्वेज के हिसाब से डूड मैं बचपन से मुंबई में हूँ हाँ मैंने ज़्यादातर लड़कों के टाइम ताँ, टाइम स्पेंड किया है बचपन से मेरे दोस्त लोग लड़के हुए हैं तो ऑब्वियसली लड़के लोग का ये जोन निकलता है तो मैं उनके साथ रह रहकर वैसे बन चुकी हूँ बट ये नहीं है कि मुझे तहजीब वाली हिंदी नहीं आती है बट अगर मैं अपने परिवार के साथ किसी से बात करूँगी तो मैं जैसी हूँ मैं वैसे बात करूँगी उसको मैं फेक बनकर बात नहीं कर सकती हूँ मैं बात करने के लिए मैं आपसे बहुत अच्छे से भी बात कर सकती हूँ और मैं बहुत तेज़ी वाली हिंदी भी बोल सकती हूँ बट आई वॉन्टेड टू बी माई सेल्फ एंड नॉट फेक ही नाट रीजन माहौल गरम आ, क्योंकि मैं तो चाह ही रहती मैं तो देख ही रहती उसके अंदर और कितना अंदर गंद भरा है जो वो निकालने की कोशिश कर रही है उसको मैंने सिर्फ एक बर्तन धोने बोल दिया और उसमें उसने बोला मैं बाद में धो दूंगी तो आई वॉज़ गोइंग टू वॉश दैट यूटेंसिल बटने कट्टू मैंने बोला कि मुझे विश्वास नहीं तो बोलता मत करना मुझे विश्वास वहाँ पर मेरा सटका मतलब तू खुद अपने मुँह से तेरे साथ विश्वास नहीं करने बोल रही तो फिर मैं क्यों करूँ कर दे तो उस पर उसने मेरे पे उंगली उठाई मैंने बोला तू एक्स्ट्रा क्यों कर रही है एक्स्ट्रा मैंने उसको एक्स्ट्रा लड़की नहीं बोला था मैंने एक्स्ट्रा काम करने वाली बोला था मतलब वो जो एक्स्ट्रा काम कर रही थी ये बोला था एक्स्ट्रा क्या होते हैं लाइफ में मुझे नहीं पता बट एक्स्ट्रा काम करने वाले जो कर, जो मेन लीड काम छोड़कर पीछे का काम करते हैं हैं उसको बोलते मतलब आपको अगर बोलेंगे आपका काम कैमरा मैन का काम नहीं आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो अगर आप कैमरा का काम कर रहे हो ठीक है अगर आपको सेटिंग दादा है करने के लिए अगर आप वो करें तो वो एक्स्ट्रा काम हो गया मैंने काम के हिसाब से बोला था आप मेन लीड का काम कर करो तो वो मेन लीड का काम करो बर्तन खुद ने पिया है चाहे तो धो दो उसको ये एक्स्ट्रा वर्ड बहुत भारी पड़ गया उस पर उसने मुझे ठा 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 ठाक ठाक नचनिया बोल दिया नाचने वाली बोल दिया आइटम सॉन्ग बोल दिया तू हीरोइन के लायक नहीं है ये बोल दिया वो चालीस फिल्म करके क्या उखाड़ा उसने मुझे तो वो जानना है चालीस फिल्म कर कर अभी मैंने तो चालीस फिल्म की है पवन कल्याण के साथ की है ना फलाने के साथ किया कौन आया तेरे सामने खड़े रहने के लिए और बोलने के लिए कि हाँ मैं संजना गलरानी को जानता हूँ कौन आया कोई आया कोई साउथ के और मैंने जितना साउथ में मैंने काम किया ना तो कितने साल से मैंने इतने सालों में जो मैंने उनको देखा ना उनमें तहजीब और तमीज़ इतनी है कि वो किसी को नीचा नहीं गिराते वो कभी किसी को उल्टा नहीं बोलते मैंने सारे टॉप लिस्टेड हीरो के साथ किया है टॉप लिस्टेड डायरेक्टर्स के साथ काम किया कोरियोग्राफर्स के साथ किया आई नेवर सीन एनी इंसल्टिंग एनी आर्टिस्ट और एनी डांसर so, और अ स्पॉट दे हैव अ रिस्पेक्ट फॉर एवरी वन सो संजना नीड्स टू लर्न इन हर ओन सेल्फ और मुंबई में अपना नाम बनाया उसने ले डूबा है मुंबई को वो कुछ नाम नहीं बना कर गई है मुंबई में वो आई थी कि उसका इंडस्ट्री में मुंबई इंडस्ट्री में काम बने नाम बने और उसके बाद वो अपनी बहन को भी यहाँ पर लेकर आए बिकॉज वैसे ही उसने बोला था कि मैंने वहाँ पे नाम बनाया और उसमें मेरी बहन को काम मिल रहा है शी वॉज शी वॉन्टेड इन मुंबई ऑल्सो सो मुंबई तुझे कहीं नहीं रखेगा अगर तू ऐसे और तूने मुंबई में स्लम एरिया वालों का स्लम के लोगों की तरह बात करती मतलब स्लम के लोगों की तरह बात करने का क्या मतलब था उसका हमारे मुंबई इज नोन फॉर स्लम्स यार मुंबई इज नोन फॉर स्लम्स और यहाँ के धारावी जो अपना एरिया है वहां का टॉप हीरो है फैजू आज के लिस्ट में सबसे बड़ा टॉपिक सो so, ये कभी नहीं बोलना नेचर सुधारो और अपने आप को खड़ा करो देखो वो घूम चुके हैं जो भी बट रणवीर सिंह इट सेल्फ इज अ फ्रॉम अ वेरी गुड बैकग्राउंड ही हैज अज ओन फैमिली बैकग्राउंड बट अगर आप स्लम एरिया बोलोगे तो स्लम एरिया तो जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं बट वो दिल से खराब नहीं होते डूड और वो जो बात करते वो हमारा नॉर्मल मुंबई लैंग्वेज है तो मुझे ये चीज़ पर ज़्यादा हर्ट हुआ जब उसने मुंबई को स्लम बोला बिकॉज आई लव मुंबई और मैं मुंबई में मैं आज भी अगर अब्रॉड जाती तो मेरे को पाँच दिन से ज़्यादा मैं रह नहीं सकती मैं ये मैं मुंबई को कभी नहीं छोड़ सकती आई एम दैट अटैच टू दिस प्लेस क्यों तब अपना रणवीर सिंह भी तो वही टपोरी लैंग्वेज में बात कर रहा था अरे तेरे को क्या समझ में नहीं आता है क्या मेरे को बोला ना ही चाहिए सो दिस इज वेरी दिस इज द स्लैंग एंड द स्टाइल ऑफ मुंबई शहनाज अपने आप में एक अच्छा शहनाज बोलने में ही कितना अच्छा लग रहा है सो शी इज़ अ वेरी प्रटी एंड अ क्यूट गर्ल एंड उसके लिए बहुत कुछ लाइफ में उसको सीखना बाकी है बहुत सारी चीज़ें करना है बहुत कुछ अचीव करना है उसको लाइफ में शी इज़ अ वेरी हार्ट पर्सन मतलब जो भी बात करती है दिल से करती है अगर उसको किसी पर गुस्सा भी आता है तो वो दिल से ही गुस्सा निकालती है बाद में वो रो भी देती है वो फील भी करती है उस चीज़ को सो आई थिंक शी इज़ मोर लाइकली लाइक हीना ना has इज नेवर बीन अ रोमांटिक बॉन्ड विथ शहनाज का किसी का रोमांटिक बॉन्ड नहीं था दोस्ती वाला बॉन्ड था।, था दोस्ती वाला बॉन्ड था।, था और अगर आप लास्ट गाने को लेकर बोल रहे हो जो हम दम सोनी और गाना हुआ था जो उड़ी उड़ी हाँ हाँ वो जो गाना हुआ था जो सिद्धार्थ का तो वीडियो दिखाया गया था वो वीडियो में उनको वैसे करना था बट आई थिंक शहनाज ने जो उसका एक नाम खराब हुआ था बलराज का कि वो लोग ने जो मिर्ची अवार्ड्स में परफॉर्म नहीं कर पाए थे एंड इट वाज लुकिंग लाइक अ ब्रदर सिस्टर वाला फील तब वो शहनाज कंफर्टेबल नहीं थी इसलिए वो ऐसी चीज़ हुई थी आज शहनाज बलराज को इन एंड आउट जानती है अब वो कम्फर्टेबल है एक दोस्त को पकड़ने के लिए हाथ पकड़ने के लिए या जो भी करने के लिए सो वही चीज़ की डूड बलराज इज नॉट अ ब्रदर ही इज अ नॉर्मल फ्रेंड एंड इज अ वेरी गुड पर्सन ही इज अ गुड एक्टर ही डज एवरीथिंग वे ही डन सो दैट्स हाउ शी पोर्ट्रेट बलराज बिकॉज उसने बलराज के साथ एक बॉन्ड दोस्ती का बना लिया था शुणास। शुणास। शुणास ने तो टहलका मचा दिया है हाँ तो उन लोग दोनों ने तो तिलका मचा दिया आई थिंक दे बोथ आर मेंट टू बी वो दोनों साथ में है तभी तो सिद्नास आया है और uh, वो दोनों एक दूसरे के लिए उतने ही ज़रूरी है क्योंकि जो उन दोनों की फैन फॉलोइंग्स है वो आज के टाइम में आई थिंक मैंने ये भी सुना है कि उसने uh, अपना दीपिका और रणवीर एंड विराट एंड अनुष्का इनका भी ट्रेन रिकॉर्ड तोड़ दिया ये सच है हाँ तो अगर तो फिर तो मैं क्या अपने मुंह से बोलूँ इंटरनेट और दुनिया ही बता रही है कि वो लोग कौन से लेवल पे जैसे कि उनकी अभी सॉन्ग भी आ रही है बुला दू एक्साइटेड टू सी वोट्स केमिस्ट्री मैं उन दोनों की केमिस्ट्री देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और ये एक टची सॉन्ग है आई एम श्योर ये जिस हिसाब से उन्होंने लोगों ने पोर्ट्रे किया वो उनका पूरा जर्नी पोर्ट्रे किया होगा और जो उनके फीलिंग्स है वो पोट्रे की होगी

शहबाज ने जो भी लिया है वो जब उसने मेरे पे उंगली उठाई एंड डिसरेस्पेक्ट किया शहबाज का बोलना यही था कि अगर तू लड़कियों का एक का रिस्पेक्ट कर तो बाकियों का डिसरेस्पेक्ट क्यों कर रहा है सब लड़की अपना रिस्पेक्ट गेन करने आई है तू एक को सपोर्ट करके बाकियों को नीचे मत गिरा वो उसको खटका और बाद में उनकी आपस में पर्सनल ग्रजेस शुरू हो गई थी जो कि वॉज नॉट रिक्वायर्ड बट देन थिंग्स कम्स आउट बिकॉज वो अंदर भरा हुआ रहता था तुम आज अवॉइड करोगे कल अवॉइड करोगे बट कभी ना कभी तो निकलने वाला है और उसके बाद नेक्स्ट डे दे बोथ वर बैक टू पवेलियन नॉर्मल एज अ फ्रेंड्स एंड दोनों ने एक दूसरे को सॉरी बोल दिया आई थिंक सो आई डोंट नो वेदर दे बिकॉज़ उसके बाद वो लोग बाहर आ गए थे दे केम आउटसाइड नो वट इज अउटसाइड का कहानी एन ऑल दैट स्ट बट आई थिंक इन लोग की अभी मुझे नहीं पता कि पारस का शहबाज के साथ रिलेशन है भी या फिर शोक के लिए ही रिलेशन रखा था आई डोंट नो दैट बिकॉज जहाँ तक मुझे पता है बिग बॉस में तो उन दोनों के झगड़े हुए थे उसके बाद कट्टू इसमें तुम लोग अच्छे बन के रह रहे हो सो इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड अगर मेरा किसी के साथ नहीं बनता तो वो नहीं बनता अगर बनता है तो मैं उसको पूरा एफर्ट्स डाल के उसको ठीक करने में बिलीव करती हूँ और मैं उस इंसान को मैं बुरा बोलूँगी भी नहीं दस लोगों के सामने मैं स्पेशली पारस के फैंस को बोलूँगी कि आप लोग आ, मुझे मैसेज कर रहे हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा सीरियसली स्पीकिंग क्योंकि मैं अपने दिल की बात कर रही हूँ आप लोग पारस को बहुत प्यार कर रहे हो एंड इट इज़ गुड दैट कि आप लोग प्यार कर रहे हो बट मैं उसके साथ रह चुकी हूँ वो घर के अंदर और मैंने चीज़ें देखी है तो मुझे कोई शौक नहीं है किसी के आ, किसी को बुरा बोलने में या कुछ करने में जो मेरे आंखों के सामने चीज़ें हो रही थी मैंने उसी को इंटरव्यू के थ्रू बताया है इवन अगर कोई बोल रहा है मैं शहनाज की आ, चाट रही हूँ या मैं उसकी अच्छी बनने की कोशिश कर रही हूँ सो आई वुड जस्ट से दैट कि अगर वो लड़की सच्ची है और अगर आपको लगता है वो चाटना है तो आई वुड डू दैट बिकॉज शी इज़ अ थ्रूड अगर वो जिस दिन गलत भी करेगी शायद से मैं उसके ऑपोजिट भी बोल सकती हूँ अगर वो गलत करेगी क्योंकि वो मेरी दोस्त है और दोस्तों को सही गलत बताना बहुत ज़रूरी है मैंने पारस को भी अपना दोस्त माना था इसीलिए कोशिश की थी बट अगर उसको अपना ईगो दिखाना है तो आई डोंट केयर अबाउट इट एंड सो डू आपके कॉमेंट्स भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहे यू डू वड एवर यू वॉन्ट एंड पहले आपके पारस आपको कितना टाइम दे रहे वो देख लेना उसके बाद मुझसे बात करना सेकेंडली uh, आई वुड से कि कोरोना वायरस चल रहा है प्लीज़ अपना ध्यान रखिए आप लोग ने uh, मैं मेरे फैंस और शहनाज के सदनाज के शब्बू के और uh, मयूर इन सबके फैंस को यही बोलोगी कि आप लोग ने बहुत प्यार दिया एम एस के को जो भी स्टार्ट हुआ बट एंड एंड में इट हैड लॉर्ड ऑफ लव फ्रॉम यू पीपल एंड यू रियली ओवर वर्ल्ड ऑल ऑफ आर्स थैंक्स फॉर दैट एंड प्लीज़ कीप शावरिंग योर लव एंड सपोर्ट ऑन ऑल ऑफ़ आर्स द वे यू हैव बिन डूइंग इट एंड करोना वायरस के बारे में बोलोगे कि प्लीज़ हैंड वॉश करो सैनिटाइज यूज़ करो एंड मास्क पहन के रखो और अपने घर पे रहो बाहर भटकने मत जाओ अभी बहुत ही गलत स्थिति है और अभी भगवान अपने मोदी सर ने भी बोल दिया है कि प्लीज़ सब बंद होने वाला है चुपचाप घर पे बैठो मैं बहुत जो uh, एक तो जब से हुआ है तब से ट्रैवल नहीं करना चाहिए था मैं तो यही बोल रही हूँ बिकॉज़ यू नेवर नो कहाँ से क्या फैलेगा और किसको है वो भी नहीं पता बट इट्स अ वेरी सैड न्यूज़ ये कन्फर्म होना कनिका कपूर इट्सल्फ इज़ अ वेरी गुड पर्सन शी हैज डन सो मच फॉर आर इंडस्ट्री प्लीज़ क्योर ढूंढ लो मैं यही बोलूँगी प्लीज़ क्योर ढूंढ लो और बचा लो लोगों की जान बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हर एक इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है मुंबई या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड में सो so प्लीज़ जो भी हमारे साइंटिस्ट डॉक्टर्स है प्लीज़ जितना जल्दी हो सके क्योर ढूंढो थैंक यू वेरी मच आसिम और, और हिमांशी का <laughs> मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानती एंड आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ आसिम और समथिंग सो मैंने जो गाना देखा गाना मेरा फेवरेट है बिकॉज uh, वो पहले भी आ चुका है और मुझे पसंद है मुझे मिट्टा बहुत पसंद है कद केक ले आया कर सो दैट सॉन्ग इज़ वेरी नाइस एंड इट्स अमेजिंग एंड संग बाय नेहा कक्कर सो बट मुझे जो पिक्चराइजेसन में बहुत एक्सपेक्टेशंस थे कुछ होगा कुछ होगा कुछ अलग होगा वो कम था सो पिक्चराइजिंग वाइज आई एम लाइक ओके ओके बट सॉन्ग इज अमेजिंग एंड ऑल द बेस्ट बोथ ऑफ यू इन्जॉय योर लाइफ एंड मेरा तो, तो, तो मेरा टिकटॉक लाइफ में बनने होगा बहुत कुछ आएगा और वो मेरे खास दोस्त के साथ भी आएगा क्योंकि आ, राहुल इज माई क्लोज फ्रेंड एंड मैं किसी के साथ नहीं सो आई थिंक आई बी हैविंग ऑफ कपल एंड ऑल दैट स्टफ ऑन टिकटॉक वेट एंड वॉच थैंक यू वायरल बॉलीवुड डॉट कॉम बोलना ना no, thank <laughs> you